अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज जो है रात के टाइम ही व्लॉग स्टार्ट हो गया था। कुछ पार्सल आए हुए थे जब मैं अपनी बुटीक से वापस आई तो हादी बाबा ने मुझे बताया, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड कि मामा ने क्या मंगवाया है। तो फिर मैंने कहा चलो बेटा इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना किचन के मैंने जो है मैट मंगवाए थे। मेरे पास पहले मैट थे लेकिन कुछ अर्सा पहले वो ख़राब हो गए थे, तो उनको मैंने जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अब जो है ना ऑनलाइन मैंने दराज से ही मंगवाए हैं कि 11-11 सेल में जो है ना फ्री डिलीवरी के साथ मुझे मिली हैं। तो इनका जो है ना स्टब बहुत अच्छा था, और अभी जो है ना हादी एक्साइटेड है कि मामा मुझे लगा के दिखाओ। तो बस उस जो है ना मैं सेट कर रही हूँ किचन में, इससे लुक बहुत ही अच्छा हो गया था माशाल्लाह से जो है ना। तो पहले भी थे तो अब नहीं थे, तो वो थोड़ा सा ना और सा महसूस होता था मुझे किचन के अंदर। और चूंकि सर्दियाँ हैं ना, तो इस तरह की आजकल जो कारपेट्स और मैट्स जो है ना वो एक वार्म सा लुक देते हैं आपको अगर पीछे हो। तो ये दूसरा जो है ना कवर टेबल का मैंने मंगवाया था, वो भी पार्सल साथ ही आया था। तो ये ऊपर जो है ना इसका भी ख़राब हो गया था, अब नया मैंने टेबल कवर मंगवाया है, तो ये भी मैंने बिछा दिया यहाँ पर मैरून कलर का सोफों के कंट्रास्ट के साथ ही था। जो आपने अभी देखा आप ताइवान 10 में आप रेट करें, 10 आउट ऑफ 10 में से 1 आउट ऑफ 10 में रेट करने को मैं बताए हमें क्या जी। तो हादी शोखा हुआ है, कह रहा है कि रेटिंग करें कि आपको मैट और कवर कैसा लगा है। अच्छा ये तीसरा पार्सल हमें खोल रहे हैं, इसके अंदर जो है ना शीट है ये शेल्फ के ऊपर बिछाने के लिए जो है ना, वो चिपक जाती है मार्बल डिज़ाइन की आजकल चली हुई है। तो बस ऐसे मैं छोटी मोटी चीज़ें इस तरह के पंगे लेती रहती हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का जो है वो मेरा क्रेज़ होता है। तो मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं। शीट जो है ना मैं एक्सपेक्ट वैसे नहीं अब करी कि ये जो है ना ऑथेंटिक होगी, वर्क करेगी, क्योंकि इस तरह की शीटें ज़्यादा चिपकती नहीं है अच्छी तरह से, ये चिपक भी जाएँ तो ज़्यादा लंबे अरसे चलती नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने टेस्ट करने के लिए मंगवा ली थी, मैंने कहा एक शेल्फ पे लगा के इसको देखूँगी। तो अभी जो है ना रिजवान मेरे लिए लाए थे ओजरी का सालन, बहुत सारे लोग इसको नहीं खाते, बहुत सारे खाते भी हैं, तो मुझे बहरहाल ख़ुद को बहुत पसंद है, लेकिन मेरी फैमिली में पसंद नहीं की जाती, रिजवान नहीं खाते, तो मैं घर पर नहीं बनाती। शादी से पहले हमारे घर में बनती थी, तो वो ना ऑफिस जब गए थे तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट से ना बड़ी अच्छी मिलती है, तो वहाँ पे ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे स्पेशली जो है ना वो सालन इसका लेकर आए थे, बहुत मज़े की थी जी। तो यहाँ पे अब हल्दी वाला दूध तैयार हो रहा है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान भी डाल दिया, हल्दी डाली और मिक्स बादाम पिस्ता ये वो जो काट के रखे थे, और थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दी है। अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, क्या हाल है आप सबका। तो जनाब ये नेक्स्ट डे है, आज जुमातुल मुबारक है माशाल्लाह से, तो आप सबको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। अच्छा रात को कुछ मैंने जो है चीज़ें मंगवाई थी दराज से, जो अनबॉक्सिंग आपके साथ मैंने कुछ दिन पहले शेयर की है, इसमें जो है ना ये मैट्स थे जो नीचे मैंने ये बिछाए हैं, और बहुत ही खूबसूरत लुक जो है ना ये देखे निकल आया है, मुझे खुद को बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इनका जो स्टफ़ है ना वो भी बहुत ही कमाल का है, ये देखें रबर मैट है, नॉन स्लिपरी से हैं, वॉशेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी। ये 2700 में जो है ना मुझे मिले थे दराज से, क्योंकि 11-11 की सेल लगी हुई थी तो इसकी जो डिलीवरी थी ना वो फ्री थी। और इसके अलावा जो है ना मैंने बाहर जो टेबल पे बिछाया है टेबल कवर जो होता है वो भी जो है ना 500 रुपये में मिला था, उसकी भी डिलीवरी फ्री थी। उसके अलावा इस शेल्फ पे बिछाने के लिए ना मैंने ब्लैक पेपर में ना वो पेपर रोल मंगवाया, अभी वो भी आपके साथ बिछा के शेयर करती हूँ। तो क्या ये है कि बर्तन बस अभी धोने वाले इकट्ठे हो गए हैं, इनको धो के समेटते हैं। और ये बोतलें जो है ना कुछ मैंने जो है ना जो खाली हो जाते थे इनको वॉश करके इनके स्टिकर वगैरह ना सारे रिमूव कर दिए, इनके स्पाइसेस वगैरह जो है ना फिल करके ऊपर जो है ना मैंने टैग्स ऑलरेडी मंगवाए हुए हैं दराज से, वो भी ब्लैक कलर के वाइट मार्कर से उसके ऊपर नाम लिख देंगे, तो बहुत अच्छे से जो है ना ये हमारे शीशे के जार जो है ना तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं घर में जो भी बोतलें प्लास्टिक की शीशे की, इसमें कुछ प्लास्टिक वाले भी लेकिन शीशे वाले ज़्यादा अच्छा लुक देते आते हैं, तो एक जैसे चार हो जाएंगे तो ये एक अच्छा लुक जो है ना मसालों के लिए एक अच्छा सा जो है ना वो हमारी कलेक्शन तैयार हो जाएगी कम पैसों के अंदर, और जो है ना हम इस तरह से अपने किचन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते जी गाइस। तो ये ना स्टिकर भी मैंने कुछ अर्सा पहले मंगवा कर रखे हुए थे, और मैंने इनके ऊपर लिखने के लिए ना वाइट कलर का मार्कर लेकर आई थी स्पेशली, और अनफॉर्चुनेटली ये मार्कर चला ही नहीं है, जो शेक करके चलाते हैं ना मार्कर वो वाला था, लेकिन मेरे से ये हैंडल नहीं हुआ, ये मार्कल की जो पिन निब थी अंदर ही चली गई, अब पता नहीं इसको मैं रिटर्न करूँगी या दोबारा लेकर आऊँगी।
यहाँ पे फिर मैंने जो है ना टैग्स जो थे ना इसके लेबल जो थे ऐसे चिपका दिए थे, मैंने कहा बाद में जो है ना इसके ऊपर नाम जो है लिख कर मैंशन कर दूँगी दूसरा जब मार्कर लाऊँगी। और साथ ही मैंने जो है ना जो स्पाइसेस थे डालने वाले वो मैं रीफिल करके रख रही हूँ अभी, तो फ़िलहाल मैं इनको ऐसे ही सारा जो है ना टैग्स लगा के रख दूँगी, लेकिन नाम जो है ना बाद में इसके ऊपर जो मेंशन करूँगी। अच्छा ये बोतलें ना बड़ी प्यारी देखने में भी जो है ना कुछ शक्ल सी लग रही थी, बाज़ार से आप लें ना इस तरह के शीशे के जार तो यू नो आजकल कितने महंगे मिलते हैं, तो ये सारी बोतलें वो हैं जो समटाइम ऑलिव्स वगैरह आ रहे होते हैं जैम्स वगैरह इस तरह के ना मशरूम्स वगैरह वाली बोतलें होती हैं और बड़ा प्यारा सा लुक देती हैं। तो इनके लेबल्स थे वो मैंने अपनी काम वाली से जो है ना अच्छी तरह मैंने कहा धोकर उसको उतार दो, तो उसने मुझे ना साफ़ कर दिए थे, अब इसके ऊपर मैंने स्टिकर लगा लिए। तो बड़े अच्छे जो है ना ये स्पाइस जार्स तैयार हो गए। अब इसकी जगह मैं सेट कर रही थी इसके अंदर जो है ना कैबिनेट में, इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया फ़िलहाल ऐसे, बाद में नाम इनके ऊपर लिखे जाएंगे। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं घर की जो है ना ख़वातीन जो होती हैं ना ऐसे ही जो है ना सरफा करती हैं घर में, कभी कुछ बॉटल्स को रीयूज़ कर लिया और कभी जो है वो सेल में से चीज़ें ले ली, तो यही बचत होती है हमारी। और हमें जो है वो लग से इसके लिए जो है वो कोई पैसे नहीं मिल रहे होते, सब अपनी पॉकेट मनी से ही निकालना होता है, ख़वातीन के ही ज़िम्मे होता है अपने घर को बनाना संवारना ऑर्गेनाइज़ करना और उसकी देखभाल करना। जितनी भी जो है डेकोरेशन की चीज़ें हैं या किचन के छोटे छोटे गैजेट्स हैं ये सब हमने ही करने होते हैं। मेल्स जो होते हैं ना बस वो आपको जो है वो ओवरऑल तो दे देते हैं कि ये कर लो, आप उनसे एक एक चीज़ के लिए लैदा नहीं ले सकते, आपको जो इकट्ठा खर्चा मिलता है आपको उन्हीं से अंदर से निकालने होते हैं। अगर तो आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपके पास अलग सोर्स है इनकम का तो आपके लिए ईजी हो जाता है, अगर नहीं है तो फिर आपको जो पॉकेट मनी मिलती है आप उसी में से बचाकर पैसे महीने हर महीने कुछ ना कुछ ले रही होती हैं। तो ख़वातीन जो होती हैं ना वो तिनका तिनका करके जो है ना अपने घर को संवार रही होती है बना रही होती है और जो है ना उसको अच्छा भी लगता है अपने घर को संवारना बनाना, और हमें इसी इन्हीं चीज़ों के अंदर जो है ना खुशी मिलती है, अपनी खुशी को इन्हीं चीज़ों में तलाश भी करना चाहिए। ये जो डिप्रेशन वगैरह के इश्यूज़ हैं या आपके जो भी हैं अपने आप को अपने घर के अंदर बिज़ी कर लें, अगर आप बाहर नहीं जाना चाहती बाहर नहीं निकलना चाहती तो अपने छोटे मोटे कामों में अपने आप को इंगेज करें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय करें। काम करके चलेगी, अभी मैं बैठी हुई बड़ी अच्छी बाहर जाना धूप लगी हुई है, ये मेरा टीवी लाउंज है ना इसके सामने बिल्कुल दरवाज़ा खुलता है बाहर को, ये हमने जाली का दरवाज़ा खोला था, एक तो ताज़ा हवा भी आ रही होती है और जो है सूरज की बहुत अच्छी रोशनी, कैमरे हमारे लगे हुए हैं बाहर पीछे गली सारे जो है ना कैमरे सेट किए हुए हैं, तो यहाँ से पता चल जाता है घर में कौन आया कौन नहीं, पीछे बैकग्राउंड भी हम जो है घर पे ना हो सारा चेक कर सकते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं अंदर ही बैठी हूँ, चाय अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ, थोड़ी देर बाद धूप में जा कर बैठी हूँ, बहुत प्यारी सी धूप बाहर लगी हुई है, आप भी बैठे धूप में और धूप सेके आजकल की तो बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अच्छा यहाँ पे ना मेरे फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ भी आ गई थी, उसको मैं जो है ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और जो है थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी नादिया का किचन और उनकी बहन का भी साथ चैनल है शादिया किचन, तो मैं भी व्लॉग्स की शौकीन हूँ, मैं खुद भी देखती हूँ, ना सिर्फ बनाती हूँ देखती भी हूँ। अच्छा तो मुझे तो उनका व्लॉग देख के ना लिटरली जो है ना मुझे आंसू मेरी आंखों में आ गए कि किस तरह से उस बंदी ने मेहनत से जो है वो अपना तिनका तिनका करके घर बनाया, तो जो है एक हाउसवाइफ होते हुए बच्चों के साथ एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल के साथ किस तरह स्ट्रगल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना अच्छा प्यारा उन्होंने घर बना लिया अपना, अल्लाह में उनको रहना वहाँ पे नसीब करें। तो बहुत ही जो है ना प्योर किस्म की जो है ना उसकी टॉक थी उनकी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर आया कि अल्लाह मियाँ जो है उनको और मज़ीद कामयाब करे। तो हमें भी इसी तरह की एग्ज़ाम्पल्स बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए, आप भी अगर जो है वो ज़रूरी नहीं कि सब व्लॉग्स ही बनाएं चैनल्स बनाएं तो या कोई जो है फूड पांडा पे काम करें, जो भी आपका दिल करता है आप वो काम करें, बिज़नेस कर लें बुटीक बना लें, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं जो आप अच्छा कर सकते हैं बस करें सही। तो अपने आप को जो है ना वो खाली मत रखें, अपने आप को जो है स्पॉइल मत करें। देखिए काम करना जो है ना वो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि पैसों के लिए नहीं इंसान करता, जब आप सुबह उठकर बैठे हैं और आपको पता हो कि मैंने आज ये काम करनी है तो वो आपकी जो एनर्जी है ना कुछ और ही हो गई। इसके बरक्स अगर आप सुबह उठें और वो एक लेज़ी सा डे स्टार्ट हो जाए, हाँ वही रूटीन होगी जो मेरी कल थी, तो आपको कुछ एक्साइटमेंट फील ना हो तो लाइफ जो है ना वो मदम हो जाती है।
जब तक ज़िंदगी के अंदर कोई थ्रिल ना ना हो आपके करने की, कोई जो है वो आपकी कुछ आपके जो है आपके ख्वाब ना हो, आपकी जो है वो कोई मंजिलें तय ना हो, तो वो ज़िंदगी जो है ना फिर वो जीने का या उसको गुजारने का मज़ा नहीं आता। ज़िंदगी तो सब गुजारते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी को जीती हैं, तो आप उनमें से बने जो ज़िंदगी को जीती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बॉयल किया था पास्ता, सिंपल बॉयल करने का वही तरीका है। पानी उबला, उसके अंदर मैंने डाल दिया उसको, जैसे चावलों को उबालते हैं थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना चिकन पड़ा हुआ था मैरिनेटेड, मैंने उसको ना छोटा छोटा काट लिया था। सबसे पहले उसको स्टीप फ्राई किया, फिर उसके अंदर जितनी भी मैंने सब्जियाँ काट कर रखी थी उनको डाल के थोड़ी देर भूनना है, और स्पाइसेस में नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया। और ये देखिए कैसा ब्लंडर हुआ है मेरे साथ, सिरके की बोतल कहीं खुली रह गई थी तो वो मैंने जैसे ही उंडेला तो सारा सिरका साइड पर भी गिर गया और मेरी सब्ज़ी के अंदर भी ज़्यादा चला गया था। इसको फिर मैंने जो है ना वो कंपनसेट किया था बाद में मायनीज़ थोड़ा ज़्यादा डाल के, सिरका ज़्यादा हो गया था लेकिन चल गया था, मैंने हैंडल कर लिया था, ज़्यादा बाहर गिर गया था। तो समटाइम ऐसे ब्लंडर्स भी हो जाया करते हैं कुकिंग के दौरान। अच्छा, स्पाइसेस में नमक और काली मिर्च के अलावा जो है सॉसेस में चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और जो है केचप डाला था और मायनीज़ डाला था, क्योंकि सिरका ज़्यादा था इसमें, बाद में फिर मायनीज़ थोड़ा मैं और डालूँगी टेस्ट करके। तो ये बनाना जो है मज़ेदार सा जो है वो पास्ता तैयार हो गया है। एंड पे इसके अंदर चीज़ डाल के, शेटर्ड चीज़ मेरे पास पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा इसको जो है घुमा लेंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार सा बन गया था पास्ता हमारा। तो इसमें बॉयल्ड चिकन भी आप डाल सकते हैं, जैसा चिकन आपको पसंद है आप डालें, क्यूब्स डालें, इवन आप जो है वो जो मिलता है आपको टेंडर पॉप्स वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है, तो मेरी वीडियोज़ का जो मकसद होता है ना, तो हम जब आप वीडियोस बनाते हैं ना, तो हम जब टॉक करते हैं आपके साथ, बातचीत करते हैं, तो हम अपनी फैमिली समझ के आपके साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें जो हैं वो जो मुझे देख रही हैं, वॉच कर रही हैं, तो वो भी जो है वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो है वो उनका मकसद हो, कुछ ना कुछ करें अपना जो है वो लाइफ। अगर वो किसी मसाइल का शिकार हैं, किसी प्रॉब्लम्स में है, तो अपने आप को उनसे बाहर निकालें, अपनी लाइफ को खुल के जो है ना जिएं। इस तरह से ज़िंदगी जो है ना बहुत कीमती है, एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और इतनी अनप्रेडिक्टेबल सी हमारी लाइफ है, इतनी जो है वो कोई पता नहीं अगले लम्हे हमारे साथ क्या हो जाना है। और अल्लाह मियाँ हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है तो बहुत बड़ी हमारी नेमत है, हमें उस पर खुश होना चाहिए और उसको इंजॉय करना चाहिए। जी गाइस, तो मेरा मज़ेदार सा पास्ता तैयार हो चुका है, मैं आपसे चाहूँगी आज यहीं पर इजाज़त, मुलाकात होती है नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।